क्या आपको पता है आपके एग्जाम में कौन सा प्रश्न आएगा? जी हाँ, मैं लाया हूँ टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। NTPC CBT 2 RRC ग्रुप डी एग्ज़ाम आ गया है, साइंस का भंडार। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखना। जी हाँ, 5 क्वेश्चन 5 सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न है कुछ इस प्रकार। क्लोनिंग पद्धति से किस प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति की जाती है? ऑप्शन है जनन, ऑप्शन बी कायिक, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों। उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कायिक। अगला प्रश्न है, जांघ में पाए जाने वाले हड्डी को क्या कहते हैं? ऑप्शन है फीमर, ह्यूमर, टार्सल, टिबिया, फिबुला। इस प्रश्न का सही उत्तर है फीमर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे आमतौर पर स्वर यंत्र कहा जाता है? ऑप्शन है ट्रेकिया, फेरिनक्स, अधिविक, लेरिनक्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी लेरिनक्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पेनिसिलिन के आविष्कारक थे? ऑप्शन है पिंकस, रॉबर्ट कॉच, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जॉन ई सॉल्क। इस प्रश्न का सही उत्तर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन की आविष्कारक थे। अगला प्रश्न है, एलिसा टेस्ट किसका परीक्षण है? ऑप्शन है टाइफाइड, HIV, हेपेटाइटिस, डेंगू। इस प्रश्न का सही उत्तर है HIV। अगला प्रश्न है, रक्त अल्पता किसके अभाव के कारण होता है? ऑप्शन है विटामिन सी, प्रोटीन, फोलिक एसिड, विटामिन ए। इस प्रश्न का सही उत्तर है फोलिक एसिड। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से होता है? ऑप्शन है स्कर्वी, घेंघा, एनीमिया, रिकेट्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है घेंघा। अगला प्रश्न है, पायरिया रोग किससे संबंधित है? ऑप्शन है दांत, मसूड़ा, नाक और मेह। इस प्रश्न का सही उत्तर है मसूड़ा। अगला प्रश्न है, पौधों का कौन सा भाग वायुमंडलीय से कार्बन ऑक्साइड ग्रहण करता है? ऑप्शन है फूल, तना, जड़, पत्तियां। इस प्रश्न का सही उत्तर है जड़। सॉरी, इस प्रश्न का सही उत्तर है पत्तियों से। पौधे का कौन सा भाग वायुमंडलीय से कार्बन ऑक्साइड ग्रहण करता है? पत्तियों से।